जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के कुपवाड़ा के रहने वाले एक शख्स को जो है वो टेरर फाइनेंसिंग केस में जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने जो है इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इसके जितने भी सूत्र जो है वो सीधा पाकिस्तान से जाकर जुड़ते हैं, यानी ये मामला जो है वो पाकिस्तान से जाकर जुड़ा हुआ है। और ये कुपवाड़ा का जो रहने वाला व्यक्ति था, मैं आपको बता दूं कि ये जो है वहां पर पाकिस्तान में जो है वो मदद करता था, और एक आतंकवादी की अगर मैं बात करूं तो उसके साथ जो है इसका तालमेल था, जिसे इसने बहुत से जो बात करते हैं बहुत से बच्चों की MBBS और कोर्सेज में एडमिशन जो है वो पाकिस्तान में करवाई थी। तो अभी बता दें कि 6 तारीख को जो है इसे यहाँ पर पकड़ा गया है, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करते हैं उन्होंने इस व्यक्ति को पकड़ा है। यानी आप देखिए कि लगातार जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सतर्क है, और सरकार भी जो है इन लोगों के लिए सतर्कता बरत रही है। जो खाते हिंदुस्तान का है, गुण जो है वो पाकिस्तान के गाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ईडी ने जो है एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुपवाड़ा का रहने वाला है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत जो है इसे गिरफ्तार किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के चलते। और 6 तारीख की अगर मैं बात करूं, इसी फरवरी की 6 तारीख को बात करूं, तो उसे जो है कोर्ट के सामने पेश भी किया गया था। कश्मीर खबर ये आ रही है कि उसने कुछ हिंदुस्तानी बच्चों की, यानी कश्मीर में रहने वाले बच्चों की MBBS में एडमिशन करवाई थी, और अदर कोर्सेज में पाकिस्तान में एडमिशन करवाई। इसी को लेकर जो है पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। और ये भी बता दूं कि टेरर फाइनेंसिंग केस जो है यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने इसकी जानकारी ट्वीट कर भी दी है। अगर आपको लगता है, और आप जो है यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने क्या ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी जो है मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने जो है सबसे पहले बताया कि यहाँ पर हमने कुपवाड़ा के एक व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है वो गिरफ्तार किया है। और केस यही था कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट की उसने MBBS में एडमिशन करवाई थी पाकिस्तान में और बाकी सारे कोर्सेज में। यहाँ पर आप देखिए कि पाकिस्तान में ही इतनी तादाद में जो एडमिशन हुई, वो सब एडमिशन जो है वो पाकिस्तान में हुई थी। चाहे वो मैं MBBS की बात करूं, और चाहे अदर कोर्सेज की बात करूं, वहां पर पाकिस्तान में जो है वो उनकी एडमिशन करवाई गई। इसी को लेकर जो है सरकार ने उस व्यक्ति पर शिकंजा कसा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ईडी ने ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट कर साझा किया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है शाह व्यक्ति है, यानी मोहम्मद अब्दुल्ला शाह है, जो रेजिडेंट है कुपवाड़ा का रहने वाला। उसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत जो उस पर कार्रवाई की है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर 6/2/2024 की अगर मैं बात करूं, उसे जो है वहां पर पेश भी किया गया था। लेकिन अब ये केसेस जो है वो चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो पाकिस्तानी हैंडलर है जिसका नाम है मंजूर अहमद शाह, इस व्यक्ति के तार जो है उससे जुड़े हुए हैं, और इसीलिए जो है उसे रंगे हाथों की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी बैंक डिटेल्स आई जिससे ये पता चल पाया कि हाँ व्यक्ति उसके संपर्क में था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की अगर मैं बात करूं तो उसके तहत जो इस व्यक्ति पर कार्रवाई की जा रही है। और पाकिस्तानी हैंडलर मंजूर अहमद शाह जो है उसी ने इस व्यक्ति के साथ मिलकर जो कुपवाड़ा का रहने वाला है सारी एडमिशन जो है MBBS की अरेंज की, और जितने भी कोर्सेज थे, कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज थी पाकिस्तान में जो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, वहां पर अरेंज किया। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो व्यक्ति है जो कुपवाड़ा का रहने वाला है, इसके बारे में यहाँ पर जो ट्वीट है वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, लिखा गया है ईडी ने, ये लिखा है कि हमने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है जिसका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, जो कुपवाड़ा का रहने वाला है, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। 6/2/2024 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में जो कनेक्शन है उसका मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो टेरर फाइनेंसिंग में है, और जो हैंडलर है मंजूर अहमद शाह उसी के साथ है। और आगे मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि जो आगे की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी, लेकिन जो सेंट्रल एजेंसी है उसी ने जो है इसे कोर्ट के सामने पेश किया है। और आपको ये भी बता दें, श्रीनगर कोर्ट में ये केस चल रहा है, और अभी फिलहाल जो है फरवरी 13 तक उसे कस्टडी में ही रखा जाएगा। यानी आप देखिए कि कुछ जम्मू कश्मीर के बच्चे जब उन्हें एडमिशन नहीं मिलती है, जब उन्हें ऐसे लगता है कि जो हमें मर्जी का कोर्स करना है, MBBS करना है या बहुत सारे कोर्सेज करने हैं, यहाँ पे जो एडमिशन फुल हो चुकी है और मैं अब कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ पर पढ़ूंगा, मेरा साल वेस्ट हो जाएगा, ऐसे बच्चों को जो है उनसे सपोर्ट मिला, और उन्होंने जो है कहा कि चलिए मैं आपका एडमिशन जो है वो पाकिस्तान में कराता हूँ। तो साफ तौर पर पाकिस्तानी हैंडलर के साथ मिलकर इनकी एडमिशन जो है वो अरेंज हुई। अब आप कहेंगे कि बच्चा पढ़ने के लिए कहीं भी जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर पाकिस्तानी हैंडलर मंजूर अहमद शाह का नाम आ रहा है, जिसके साथ मिलकर कुपवाड़ा के इस व्यक्ति ने एडमिशन को अरेंज किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इस एडमिशन को अरेंज किया उन्होंने, इन्हीं के साथ मिलकर किया। देखिए, किसी आतंकवादी के साथ मिलकर आप जम्मू कश्मीर के बच्चों के एडमिशन को अरेंज करेंगे कि आप पाकिस्तान में पढ़िए, तो सोचिए उसकी मंशा क्या होगी, वो चाहता क्या होगा, और किस तरह से वो यहाँ से पैसे जो है वो वहां पर सप्लाई कर रहा होगा।
ये देखिए, ये सारे चार्जेस जो हैं वो उस पर डाले गए हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कहा गया है जो सेंट्रल एजेंसी है उसने जो है इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया था, स्पेशल जज ACB के सामने, और CBI भी जो इस केस की जान इंक्वायरी कर रही है श्रीनगर कश्मीर में। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक ये जो कुपवाड़ा का रहने वाला शख्स है इसे जो है बिल्कुल ही वहीं रखा जाएगा, यानी कहाँ रखा जाएगा, इसे अभी जो है हिरासत में ही रखा जाएगा। इससे और तफ्तीश की जाएगी, क्या आप इसके अलावा कौन सा बिजनेस करते थे, उनके साथ कौन सी ऐसी बातें थी जो करती थी। और सबसे बड़ी बात है, कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है, तलाशियां ली जा रही है कि कुछ बड़ा जो है वो मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता कि जम्मू कश्मीर को वो किस तरह से नुकसान पहुंचाए। और जम्मू कश्मीर को जो भी नुकसान पहुंचाएगा, हमारी सेंट्रल एजेंसी जो है वो बहुत ज्यादा अलर्ट है। अलर्ट होने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वहां पर बड़े पैमाने पर जो है इंक्वायरी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को सामने आई है कि जिस तरह से आप जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, अगर आपका बच्चा भी कभी आपको पढ़ने के लिए कहता है और स्पेशली उसकी एडमिशन पाकिस्तान में हुई है, या कोई डिग्री पाकिस्तान से कर रहा है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से कर रहा है, तो एक बार जो इस खबर को सुन ले, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे की भी एडमिशन जो है आगे ऐसे ही किसी शख्स ने करवाई हो। क्योंकि ईडी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि हमने कुपवाड़ा के एक व्यक्ति को जो है वो पकड़ा है टेरर फाइनेंसिंग केस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में। और आप जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए जो है इस सरकार के पास कोई जगह नहीं है। पहले इनके साथ डील या ढिलाई बरती जाती थी, पर बीजेपी सरकार में, केंद्र सरकार में कोई जो है वो डील और ढिलाई जो है वो नहीं बरती जाती है। और ईडी ने साफ तौर पर कह दिया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत जो है इन सब सेक्शन के तहत जो है इन पर कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई के बाद क्या रिपोर्ट आती है वो सौंपी जाएगी। लेकिन अभी जितने भी बच्चों की यहाँ पर एडमिशन हुई है उन सबकी एडमिशन, उनका डाटा जो है कलेक्ट कर लिया गया है। उन बच्चों से भी पूछताछ हो रही है कि जब आप वहां पर पढ़ने के लिए गए थे, जो भी यहाँ पर है कुछ फोन कॉल के जरिए जो है होगी, जब आप वहां पर पढ़ रहे हैं कि आपको किसी चीज के लिए फोर्स किया जा रहा है, ऐसा ना हो कि यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए वहां पर लेकर जाया जाए, उनके उनको हरास किया जाए, उनको मजबूर किया जाए कि हाँ देखिए आपको दहशतगर्द बनना है, आपको बंदूक उठानी है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है। उसी को लेकर जो है यहाँ पर ईडी ज्यादा जानकारी करेगी, सीबीआई भी जो है इसे देख रही है, और आपको बता दें कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो है इस केस में लेकर चल रही है। और ईडी ने खुद जो है वो पोस्ट साझा किया, और ईडी ने बताया कि कुपवाड़ा के रहने वाले व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग केस की अगर हम बात करें उसमें जो है कोर्ट में पेश किया गया, और कोर्ट में पेश करने के साथ साथ जो है उस पर अब ये कार्रवाई भी की जा रही है। और जितने भी लोग उसके तालमेल में थे उन सब लोगों से जो है पूछा जा रहा है कि आफ्टर ऑल सच्चाई क्या है, और सच्चाई के साथ साथ यहाँ पर जो है अब कार्रवाई उस पर होगी। लेकिन फरवरी 13 तक जो है उसे कस्टडी में ही रहना है, और कस्टडी में रहने के साथ पुलिस, सीबीआई और मैं ईडी की बात करूं, उन्हें एक स्पेशल मदद मिलेगी जिससे वो उस व्यक्ति तक जो है वो पहुंच सकते हैं, और उस व्यक्ति के हाथ कितने लंबे हैं, उसका नेटवर्क कहाँ तक फैला है, तो वो वहां तक भी पहुंच सकते हैं। तो आपको जो है अगर कश्मीर से आप देख रहे हैं या जम्मू से आप देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे ने भी ऐसे ही किसी इंसान को कहकर या किसी ने उसे एडमिशन दिलाई है, एक बार उस बच्चे से संपर्क कर ले तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, या उस बच्चे को ये पूछ ले कि भैया तुम्हें वहां पर पढ़ाने MBBS ही कराने और कोर्सेज ही करा रहे हैं जो करने के लिए गए थे, या कुछ और ही जो है वो तुमसे कराया जा रहा है। तो एक बार जो है अगर आपके घर के बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई दोस्त गया, तो उससे एक बार जो है वो जरूर पूछ लें। और जितने भी मेरे भाई इस खबर को देख रहे हैं, मेरी बहनें देख रहे हैं, तो वो जरूर इस खबर को शेयर करें ताकि किसी उस इंसान तक पहुंचे जिसको इस खबर की बहुत ज्यादा जरूरत हो। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स अपनी राय रखिएगा, और हमारे चैनल को भी लाइक कर दे ताकि इसी तरह के अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंचते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई छोटी खबर नहीं जिसे आप समझ रहे हैं कि रात को आई सुबह खत्म हो गई, ये खबर जो है वो बहुत बड़ी है, और इस शख्स के तार कहाँ कहाँ पर जुड़े हैं ये भी देखना, एक ये भी देखना होगा, और इसने आज तक किन बच्चों को एडमिशन दिलाई है, वो बच्चे किस हाल में पाकिस्तान में रह रहे हैं, उन बच्चों का क्या कुछ हाल है पाकिस्तान में, और किस तरह की जो है वो सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो है इस पर की जा रही है, स्पेशल फोर्सेस को भी तैनात किया गया है, सीबीआई अलग से कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अलग से जो इसकी कार्रवाई कर रहे हैं, और हर एक एंगल से जो इस केसेस को देखा जा रहा है। अब आप अपनी राय जो है वो रख सकते हैं, और खबर को जो है वो शेयर जरूर करिएगा ताकि उन बच्चों तक पहुंचे जिन बच्चों ने ऐसे लोगों से एडमिशन ली है। और मैं आपको बता दूं कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म जो है वो जम्मू कश्मीर में है अब कहां नहीं, अब दिखता है, और आपको ग्राउंड पर भी दिखता है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन।